हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों में शुमार वर्ल्ड मुस्लिम लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा अपनी 5 दिन की भारत यात्रा पर आए। इस दौरान उन्होंने भारत, यहाँ के लोगों और हमारे संविधान के बारे में कई बातें कहीं। कैसे भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता को पिरोए हुए है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, इस पर उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया। उनकी अक्षरधाम यात्रा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तारीफ बटोर रही हैं। आदाब नमस्कार, मैं हूं नौशीन खान। DNN24 देश के कोने कोने से आपके लिए लाता है इंसानियत की कहानी, हौसले की कहानी, रिवायत की कहानी, इंसानी रिश्तों की कहानी। ये कहानियां तोड़ती हैं उन नफरती दीवारों को जो बनती हैं जातिवाद से, भेदभाव से, और जोड़ती हैं लोगों के दिलों को एक दूसरे से। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा, ये नाम आजकल अपनी भारत यात्रा को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। अपने सद्भावना संदेश के साथ उन्होंने देश के करोड़ों लोगों का दिल जीता है। हाल ही में आवाज़ द वॉइस को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने भारत की संस्कृति, परंपरा, विविधता के बारे में बहुत कुछ सुना था और इसका अनुभव करके मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भारत के धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व से बातचीत की। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हर एक नागरिक को समान अधिकार है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार की गारंटी देता है। अपनी भारत यात्रा के दौरान हाल ही में मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, गले लगाकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय वास्तुकला, संस्कृति और मूल्यों के वैभव को देखने के लिए स्वामी नारायण अक्षरधाम में 3 घंटे बिताए। इस दौरान अल इस्सा ने विश्व शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व के संबंध में अक्षरधाम के स्वामियों से विचार विमर्श किया। इस दौरान अल इस्सा अक्षरधाम की नक्काशी देख मंत्रमुग्ध दिखे। उन्हें भगवान स्वामी नारायण और गुरुओं के जीवन, कार्यों और संदेशों के बारे में जानने में भी दिलचस्पी दिखाई। अक्षरधाम मंदिर में स्वामी ब्रह्मा विहारी दास ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। अपनी भारत यात्रा के दौरान शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने कहा कि दुनिया को भारत से शांति के बारे में सीखना चाहिए। ये देश अपनी विविधता के साथ सह अस्तित्व को साथ में लेकर चलने का एक शानदार मॉडल है। समाज की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें ही देश की पहचान हैं, जो इंसानी रिश्तों को मजबूत करती हैं। DNN24 देश की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लेकर आता रहा है। ऐसी तस्वीरें जो लोगों को जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।